पाटीदार आंदोलन से निकले हार्दिक पटेल को कांग्रेस शहंशाह बनाने में जुटी है। गुजरात में कांग्रेस पिछले लंबे समय से आपसी मतभेद में उलझी है। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस के कई विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। उस दौरान हार्दिक ने अपने ही नेताओं पर आपत्तिजनक बयान दिया था। हालांकि अब हार्दिक पटेल को कांग्रेस ने इनाम के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। दरअसल कांग्रेस ने हार्दिक पटेल को प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। हार्दिक पटेल को अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के पीछे कांग्रेस की बड़ी चाल हो सकती है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन से निकले हार्दिक पटेल के खिलाफ कई केस भी चल रहे हैं। पिछले काफी समय से हार्दिक पटेल कांग्रेस में काफी सक्रिय भी हैं। वहीं हार्दिक पटेल को तत्काल प्रभाव से कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से लिया गया है। हार्दिक पटेल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। हार्दिक पटेल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जामनगर सीट से लड़ने का मन बनाया था, लेकिन 2015 में गुजरात में हुई हिंसा में उन्हें दोषी पाया गया था। इस मामले में वो हाईकोर्ट भी गए, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली और वो चुनाव नहीं लड़ पाए। हालांकि हार्दिक पटेल को कांग्रेस में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने से पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता एक बार फिर नाराज हो सकते हैं, जिसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।